गुड इवनिंग बच्चा लोग, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हाय अंकित, कैसे हो? हाय कार्गी, हाय प्रियांश, आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? पोटैटो गेमर भाई, आप नाम बता दे तो। हाँ क्रम, कैसे हो? अरे एवरीथिंग इज वेल प्रियांश। गुड इवनिंग सोनाली, क्या हाल चाल? इज इट विजिबल जो मैं लिख रहा हूँ? इतना जल्दी क्या है सर, जिंदगी का क्या भरोसा। हाय रोजी, ठीक है सभी? सो शैल वी बिगिन द क्लास? टुडे इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक और दिस चैप्टर आई विल से, क्योंकि 21-22 स्लाइड है, तो आई विल ट्राई टू फिनिश इट टुडे ओनली, है ना? लेट्स बिगिन। हाय थरवा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो हमें स्टार्ट करना था फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा दूसरे जो फूड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये यूट्यूब की तरफ से बाई डिफॉल्ट है प्रियांश, अगर मैं उसे फास्ट करूँगा तो थोड़ा सा क्वालिटी और डाउन हो जाएगा, इसलिए रहन दो। टाइम से लाने के लिए क्वालिटी बहुत ही डाउन हो जाएगा फिर वीडियो का। सो लेट्स स्टडी अबाउट सुगर केन। चलो, तो सुगर केन की खेती ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है ना? इस रीजन में जो है खेती होती है सुगर केन की, ठीक है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन, 23.5 और 66.5 के बीच में, नॉर्थ और साउथ, है ना? इस रीजन में सुगर केन की खेती होती है। सबसे बड़ी बात कि ये जो है वाटर इंटेंसिव है। सबसे खास बात क्या है सुगर केन के बारे में, कि ये जो है वाटर इंटेंसिव है। कहीं भी साइड में लिख लीजिए, वाटर इंटेंसिव कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। आपने कुछ साल पहले फॉलोअप किया होगा कि महाराष्ट्र के लातूर में पानी की कमी हो गई है, पानी वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था शुगर केन का बहुत ज़्यादा खेती, है ना? तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसे पूरे साल जो है लगातार हमेशा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। गुड इवनिंग सभा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। टेम्परेचर जो है इसको मतलब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इजिली ग्रो कर सकता है, 30-40 डिग्री, 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। हालांकि 21 से 27 लिखा है, बट अगर यूपी बिहार के जो बच्चे उन्हें पता है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर 35-40 तक जाता है, स्टिल शुगर केन की खेती ईजिली हो जाती है ना? इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जाहिर सी बात है, इसलिए पहले ही मैंने लिख दिया कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है ना? इसमें दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैनुअल लेबर लगता है, ठीक है, इसमें जो है क्या है मैनुअल लेबर की जरूरत होती है, चाहे वो क्रॉपिंग की बात करें या फिर कल्टीवेशन का बात करें, दोनों ही प्रोसेस में आपको मैनुअल लेबर का जरूरत होता है। अगर आपने देखा होगा, है ना, इफ यू हैव सीन दिस थिंग, तो आपको ये चीज़ पता चलेगा
मैनुअल लेबर होता है, ठीक है। हाथों से कटाई की जाती है गन्ने की, है ना, उसके छिलके हटाए जाते हैं, फिर ऊपर का जो पत्ता है वो हटाया जाता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग हर चीज़, तो मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे सोविंग हो चाहे हार्वेस्टिंग हो, है ना। इंडिया जो है सेकेंड नंबर पर, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक क्या है बच्चा लोग, सेकेंड है। एक नंबर पे कौन है, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ब्राजील है, ठीक है, एक नंबर पे है ब्राजील, ये याद रखना होगा। इंडिया सेकेंड नंबर पे है, और इंडिया में, इंडिया के अंदर यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता, इंडिया के अंदर यूपी फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, इसको लिख लो कहीं भी, ठीक है। इंडिया में यूपी एक नंबर पे आता है, यूपी में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। चले, इससे क्या क्या मिलता है, शुगर मिलता है, गुड़ मिलता है, है ना, खांडसारी मिलता है, मोलासेस मिलते हैं। शुगर समझते हो, गुड़ समझते हो, मीठा, खांडसारी समझते हो उसी का भुरभुरा सा जो रूप होता है ना, और मोलासेस हो गए वो उसके रिमेन्स, जिसको कि जिसका हम लोग यूज करते हैं या तो मैनुअर बनाने में या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के प्रोडक्शन में भी मोलासेस का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और मेजर स्टेट्स कौन कौन से, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये तो है ही, लेकिन एक नंबर दो नंबर याद रखना है, तो एक नंबर पे यूपी, दो नंबर पे महाराष्ट्र इन इंडिया, है ना, और वर्ल्ड में इंडिया तो दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे ब्राजील है, ठीक है। दिस इज टोके टिल नाउ, एम आई फास्ट और ठीक है स्पीड, लिख रहे हो सब लोग, नोट कर रहे हो साइड में, देखो ये ऐसे नोट करोगे तुम्हारा ही फायदा होगा, जल्दी जल्दी याद होगा ऐसे, ठीक है अकरम, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल सीड की, वैसे बीज वैसी चीज है जिससे हमें तेल मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंडनट की बात करते हैं, ग्राउंडनट से अगर बात करें तो एक नंबर पे है चाइना और दूसरे पे है इंडिया, ठीक है। ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में एक नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे है इंडिया, ठीक है। अच्छा, रेप सीड क्या होता है, बोला रहा, कोई नहीं, व्हाट इज रेप सीड, येलो फ्लावरिंग, है ना, कहीं भी साइड में लिख लो येलो फ्लावरिंग, है ना, जैसे मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो रेप सीड आती हैं, ठीक है। तो रेप सीड के प्रोडक्शन में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, रेप सीड क्या है, येलो फ्लावरिंग, है ना, रेप सीड मीन्स आपका येलो फ्लावरिंग वाले जो है ना, पीला जिसका फूल होता है, ठीक है। बिहार वाले बच्चे याद रखना, सरसों के सकिया, है ना, तो वो येलो फ्लावरिंग जो है क्रॉप, वो रेपसीड के कैटेगरी में आता है, और इंडिया जो है इसमें थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड कैटेगरी, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, आफ्टर विच कनाडा एंड चाइना, एक नंबर पे कनाडा है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया, ये 2015 के अभी भी यही डाटा है, ठीक है। अरे यार ये लैग कर रहा है, स्लाइड ज्यादा है आज, इंडिया, ठीक है। चलो, तो अलग अलग जो ऑयल सीड हमारे यहाँ होते हैं, तो लगभग 12% जो है टोटल एरिया पे हम लोग तिलहन की खेती करते हैं, इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया अंडर ऑयल सीड, ऑयल सीड के अंदर टोटल एरिया जो है वो 12% है, ठीक है। 12% एरिया पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ तिलहन का खेती करते हैं, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। हमारे यहाँ हर चीज़ बिना तेल के कुछ बन ही नहीं सकता है, सबसे बड़ी चीज़, है ना, आपको सब्जी खाना हो तो या फिर पकौड़े खाने हैं तो हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमें ऑयल सीड की ज़रूरत है ना। कौन कौन से ऑयल सीड हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसमम तिल, तिल का तेल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड, सनफ्लावर, इन सब के जो हमें मिलते हैं, लगभग लगभग जितने भी हैं ये सारे हमारे यहाँ ऑयल सीड की खेती की जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो सीड्स हैं वो एडिबल हैं, है ना, कुकिंग में यूज़ होता है ना, एडिबल ऑयल है, चाहे वो कोकोनट है हमारा, ये आपका तिल का तेल हो या फिर आपका मस्टर्ड हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एडिबल है और कुकिंग में यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, किस चीज़ में, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स, लाली पाउडर बनाने में, है ना, इन सब चीज़ों को बनाने में यूज होता है। चले, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कैस्टर नहीं, मैंने कैस्टर कहाँ कहा, सीसमम कहा, मैंने कोकोनट कहा, मस्टर्ड कहा, ग्राउंडनट कहा, सोयाबीन कहा, है ना, ये खाने में यूज होता है, सनफ्लावर, बाकी ये तो मेडिसिनल यूज़ में है और उसके साथ साथ साबुन वगैरह बनाने में यूज होता है इसका,
बैकस्लाइड फॉर 1 सेकेंड, यही ना, ऑयल सेड वाला। हाँ अच्छा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। इस बार आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ग्राउंड नट जो है कौन से कैटेगरी में आएगा? खरीफ होगा, याद रखिएगा, है ना। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्राउंड नट की खेती होती है, जितना भी तेल बनता है उसका 50% जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड नट है ना। तो इसलिए ग्राउंड नट इंपॉर्टेंट हो जाता है, खरीफ क्रॉप है, याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बस इतना ही याद रखिए, एक ही स्टेट की गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। वहीं लाइन सीड और मस्टर्ड ये रबी क्रॉप में आते हैं, लाइन सीड और मस्टर्ड रबी क्रॉप में। सीसमम जो है खरीफ है, ये कहीं भी साइड में लिख लेना, है ना। ठीक है, तो खरीफ में हमारा हो गया ग्राउंड नट, सीसमम, ठीक है, चलो रबी में लिख लो। रबी में लाइन सीड, मस्टर्ड, ठीक है, चलो। कैस्टर का देखो, दोनों रबी और खरीफ दोनों में आता है। कैस्टर मतलब ऐसा है, हमारे यहाँ तो यूपी बिहार में जंगल जंगल माना जाता है, ठीक है, ये पूरे साल आपको दिख जाएंगे हमारे यहाँ, है ना। तो कैस्टर सीड जो है ये बेसिकली रबी और खरीफ में आता है, ये दोनों दोनों सीजन में हमारे यहाँ ये अवेलेबल है, ठीक है। चल आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। अब बात करते हैं इंडिया के इश्क की, है ना, चाय इश्क है हमारा। लोगों से जब भी बात करोगे चाय लवर से, कहेंगे तो इश्क है हमारा। तो ये एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। प्लांटेशन क्या बताया था मैंने आपको? प्लांटेशन वो हो गया जब लार्ज एरिया ऑफ लैंड पे जब हम लोग खेती करते हैं, है ना। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं, इज़न्ट इट सो? जब लार्ज एरिया ऑफ लैंड पे हम लोग खेती करते हैं तो उसे हम लोग प्लांटेशन कहते हैं। जुनैद क्रिएशन, कहाँ से हो बच्चा? अकरम के दोस्त हो? तो बीवरेज क्रॉप है, ठीक है। इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने कराया? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा, ये कहानी सबको पता है, ठीक है। कौन सी स्लाइड? प्रियांश स्लाइड का नाम बताओ। तुम लोग चाय नहीं पिया करो, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगा बाद में, है ना थर्मा। तो ज्यादातर टी प्लांटेशन इंडिया में आज इंडियंस के अंतर्गत है ना। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में इसकी खेती होती है, याद रखिएगा, है ना। और इसके लिए डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, है ना, पानी चाहिए इसको। सॉइल में ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ठीक है। अब क्लाइमेट की बात करें, मुझे भी नहीं पसंद, अपन को कॉफी पसंद है लेकिन वो भी लिमिट में। क्लाइमेट की बात करें तो इसको वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए भाई इसको, है ना। टेम्परेचर जो है मॉडरेट जैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन दे आर अजर, ठीक है, और उसके बाद अलावा राइस और वीट के बाद, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ यही होता, सस्ता है प्रोडक्शन, ठीक है, ग्राउंड नट्स वाला। ऑयल सेड का ये रहा बच्चा प्रियांश, ये भी है ऑयल सेड का, ग्राउंड नट वाला। तो कैसा टेम्परेचर चाहिए? वार्म चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना, पूरे साल। बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश जो है, इमेजिन करो एकदम घूम रहे हो दार्जिलिंग की वादियों में, एकदम चाय के बगान में, अचानक से हल्का सा सावर शुरू हुआ, मतलब ऐसा बारिश जिसमें तुम भीग नहीं रहे हो बट हाँ हल्की हल्की बूंदे महसूस हो रही है, वैसा बारिश चाहिए, है ना। दिल जो है रोमांटिक हो रहा है, तो फ्रीक्वेंट सावर्स चाहिए इसको, पूरे साल भर ऐसी ऐसी बारिश होती रहनी चाहिए ताकि इसके जो टेंडर लीव्स हैं, जो पत्ते जो है, जो मुलायम पत्ते हैं, वो ग्रो कर सके। अच्छा, इसमें जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो सबसे पहला टी के बारे में हम लोग लिखें तो प्लांटेशन, है ना। दूसरा जो है
वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉयल, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या है इसके बारे में, कि मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, मॉइस्चर फ्री क्लाइमेट, ठीक है। चौथा लेबर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, तो इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, मैनुअल लेबर लगता है भाई साहब, हाथों से एक एक पत्ते जो है चुनने होते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है आपको लेबर बहुत लगेगा, तो चीप लेबर चाहिए क्योंकि महंगा होगा तो दिक्कत है, और साथ ही साथ स्किल्ड होना चाहिए, हम और आप जैसे लोगों को पहचान में नहीं आएगा कुछ भी, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पकड़े और पकड़ के मुट्ठी में पकड़े और खींच के रख दिए, ऐसा नहीं है ना, आपको चूज करना है। और इसका प्रोसेसिंग जो है वही गार्डन में ही किया जाता है, टी इज प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, है ना। तो आपका ये जो है फ्रेश रहे चाय पत्ती जो है एकदम जबरदस्त रहे, फ्रेशनेस उसकी बरकरार रहे, इसलिए उसका प्रोसेसिंग भी वही गार्डन के आसपास में ही होता है, ऐसा नहीं है कि वहां से तोड़े और फिर 100 किलोमीटर दूर लेके गए, आसपास में ही उसका प्रोसेसिंग का भी काम होता है। ओके ठीक है, अजर आंसर मिल गया। आगे बढ़े हम लोग, चलो कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। अच्छा आपने कभी जीआई टैग के बारे में सुना है, जीआई टैग एनटीसी के लिए इंपॉर्टेंट, जीआई टैग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कोई ऐसी पार्टिकुलर चीज जो उस पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा फेमस और बहुत अच्छा मिलता है, तो दार्जिलिंग का जो टी है ना, दार्जिलिंग टी, वो जीआई टैग मिला हुआ है उसको, है ना, दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला हुआ है फॉर इट्स क्वालिटी, ठीक है। तो जीआई टैग किसको मिला हुआ है ये नोट कर लीजिए आप लोग, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला हुआ, ठीक है। तो दार्जिलिंग दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तमिलनाडु और केरला जो साइड है उधर भी चाय की खेती होती है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद आज भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉफी की, है ना, बहुत सारे लोगों का पसंद का चीज। तो इंडिया का जो कॉफी है वो वर्ल्ड में फेमस है अपनी क्वालिटी के लिए, अरेबिका वैरायटी जो है कॉफी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सबसे फेमस है, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी, है ना। तो पहला चीज इसके बारे में, अरेबिका वैरायटी, ठीक है, कहाँ से आया था, यमन से, ठीक है, पूरे दुनिया में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बाबा बुदान हिल्स, है ना, बाबा बुदान हिल्स साउथ इंडिया, है ना, और उसके साथ साथ नीलगिरी केरल और कर्नाटका। तो बाबा बुदान हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स सबसे फेमस है ना, कर्नाटका के रीजन में पड़ता है, ठीक है, बाबा बुदान हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स में ये फेमस है, कर्नाटका में ये है रीजन, यहाँ पे कॉफी की खेती होती है, ठीक है। डरना नहीं है कि डाटा बहुत ज्यादा है, देख रहे हो डाटा कितना निकल रहा है, बस इतना ही तो निकला कॉफी के बारे में, 5 लाइन में 2 लाइन निकला आपके लिए, 2 लाइन भी नहीं, 2 3 2 5 तो 7, 7 वर्ड मिले, ठीक है, हम लोग पहुंचाए, पोटैटो गेमर हम लोग पहुंचाए, ब्रिटिशर्स ने पहुंचाया। चलो अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना, अप्रोक्स 320 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, अप्रोक्स 320 है ना मैट्रिक टन ईयरली प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का इंडिया में, है ना। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, फल सब्जियां, है ना, तो हम लोग इसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, चाइना क्यों आगे निकल जाता है, उनकी उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, वो लोग सही ढंग से फार्मिंग करते हैं, हम लोग ये चीज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इंडिया जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद, है ना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के फल हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के जो है फसल मतलब फल और सब्जी हमारे यहाँ उगाई जाती है। अब देखो कौन कौन से, इसमें देखो
जैसे महाराष्ट्र के आम, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, है ना, आंध्र प्रदेश के आम, तेलंगाना के आम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के आम, इतना मतलब ये फेमस चीज़ है, आपको याद नहीं रखना है। ऑरेंजेज ऑफ नागपुर आर इम्पोर्टेंट, ये फेमस है इसलिए आप याद रखोगे, है ना, नागपुर और चेरापूंजी के ऑरेंजेस। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो भी यूपी बिहार के बच्चे हैं। वैसे मैं एक बात कहूंगा, आप जिस स्टेट से हो अपने स्टेट का फेमस चीज़ याद कर लेना। जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं, यूपी से हैं, वेस्ट बंगाल से, याद रखेगा आपके यहाँ का आम बहुत फेमस है। यूपी बिहार वाले बच्चे फिर से याद रखेंगे कि हमारे यहाँ का लीची बहुत फेमस है ना, स्पेशली बिहार। मेघालय के जो बच्चे हैं वो पाइनएप्पल याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र फिर हो गया ग्रेप्स के लिए, है ना। तो आप जिस पार्टिकुलर एरिया से हो वहाँ का फ्रूट याद रख लेना इम्पोर्टेंट है, बाकी यू कैन मैनेज, ठीक है, आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पी, कलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो की भी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो टॉप है ना, इसमें यूपी बहुत आगे है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र ये टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। टोमेटो, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप की, वैसे क्रॉप जो कि खाने में हम लोग यूज नहीं करते, अल्टीमेटली सबको पता, ठीक है, सबके यहाँ खेती होता है। बिहार में खास करके यहाँ आलू की खेती तो सभी करते हैं, आलू प्याज तो बहुत लोग लगाते हैं, है ना। राजस्थान में नहीं हो सकता, बालू। चलो बात करते हैं रबर की, है ना, लेट्स टॉक अबाउट रबर। जाहिर सी बात है इक्वेटोरियल क्रॉप है ना। इक्वेटोरियल क्रॉप कहने का मतलब है इक्वेटर वाला रीजन में, है ना। तो पहला क्या लिखोगे, इक्वेटोरियल क्रॉप, चलो तो क्या चाहिए इसको, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, है ना। तो लिखो हैवी रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, ये कुछ कुछ लेटर्स लिखने में फंसता है, मैं देख रहा हूँ, जैसे जिस पे रिपीट करना है उस पे फंस रहा है। अब देखो यह सही है, यहां लिख रहा हूं तो फंस रहा। तो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। चलो क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज है रबर, सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्कूल में ही नहीं यूज करते हैं, इसके अलावा भी हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया में कहाँ मिलेगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक और अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेगा, और साथ ही साथ गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। इन सब रीजन से क्यों मिल जाता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, क्योंकि इक्वेटर के नजदीक है, ठीक है। चलिए गारो हिल्स ऑफ मेघालय में क्यों मिल जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है वहां पे, है ना, वहां पे भी टेम्परेचर इक्वेटोरियल टाइप का है, ठीक है। मेघालय में वी हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, पता है ना सबको भाई, इस वजह से मेघालय में। चलिए तो किसी के मन में सवाल आ रहा होगा तो आई होप कि आंसर मिल गया होगा। चलिए अब बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की, कॉटन, जूट, हेम्प समझते हो, पटुआ, है ना, और नेचुरल सिल्क, ये चार मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में होते हैं, याद रखिएगा, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क, रिपीट कर लो मेरे साथ, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क, ये चार है जो कि हमारे यहाँ नेचुरली इसकी खेती की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉटन, जूट और हेम्प, इसका तो हम लोग खेती करते हैं, और सिल्क के साथ क्या है भाई, सिल्क जो है हम लोग सेरी कल्चर कहते हैं, है ना, सिल्क वॉर्म के थ्रू, पता है ना सबको, ये तो 6, 5, 6 की चीजें हैं, है ना। तो ये चार तरह के नेचुरल फाइबर में तीन जो है कॉटन, जूट और हेम्प, इसकी हम लोग खेती करते हैं, और सिल्क तो है मलबरी ट्री, है ना। हेम्प नहीं जानती हो, और रितिशा जिसे रस्सी वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, उसे पहले पानी में रखा जाता है काफी देर तक, फिर उससे सारा काम होता है, उससे उसे लोकल लैंग्वेज पटुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चार नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन पढ़ते हैं, सबसे पहले कॉटन के बारे में। तो कॉटन के बारे में तो हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया का कॉटन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक
है ना। तो ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन का इंडिया को ही, है ना। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रोडक्शन के मामले में, है ना। कॉटन कहाँ पे होता है? ब्लैक सॉयल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लैक सॉयल रीजन, है ना। ब्लैक सॉयल में क्यों इसकी खेती अच्छी होती है? क्योंकि ब्लैक सॉयल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो कि वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है ब्लैक सॉयल की। और कॉटन के साथ क्या है बच्चा कि 210 दिन ऐसा होना चाहिए साल में जहां पे फ्रॉस्ट, जो फ्रॉस्ट फ्री हो, मतलब जो पानी, जो ओस की बूंदे जो गिरती है वो नहीं होना चाहिए। वरना तुम खुद सोचो, कॉटन क्या एक फाइबर वाला चीज है, रुई, अब उस पर अगर पानी गिरेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा रीजन चाहिए जहाँ पे ऊपर से बारिश ना हो, प्रेसिपिटेशन ना हो, साल का 210 दिन ऐसा हो जब प्रेसिपिटेशन ना हो उसमें, है ना। लेकिन किसी भी फसल को पानी चाहिए होता। तो ब्लैक सॉइल के साथ क्या फीचर है कि हम लोग एक बार इरिगेट कर देते हैं ब्लैक सॉइल को तो काफी लंबे समय तक वाटर को होल्ड करके रखता, तो परफेक्ट सॉइल हो गया इसके लिए, है ना। इसलिए ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। यही वजह है ब्लैक सॉइल के लिए, है ना। तो ये हो गया अगला इंपॉर्टेंट चीज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, है ना। अच्छा ठीक है, खरीफ क्रॉप है, कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है किसकी कैटेगरी में आता है? खरीफ की कैटेगरी में आता है। इट इज खरीफ क्रॉप, 6 से 8 महीने लगते हैं। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब रीजन्स में इसकी खेती होती है ना। सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के रीजन्स जो है इधर देखने के लिए मिलते हैं। चल आगे बढ़ो यहाँ से। जूट, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कौन से सॉइल पे होता है? फर्टाइल सॉइल चाहिए उसको, वेल ड्रेन्ड, मतलब पानी चाहिए होता है ऐसी सॉइल पे, है ना। तो आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है जूट का खेती, है ना, वेस्ट बंगाल। और पूरी दुनिया में एक नंबर पे है बांग्लादेश, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है जूट, उसके बाद हम लोग हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश रैंक वन। तो टेम्परेचर चाहिए होता है हाई टेम्परेचर इसके ग्रोथ के टाइम पे। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, सारे इन सारे राज्यों में इसकी खेती होती है। क्या बनाने में यूज होता है? गनी बैग, मैट, रोप, यार्ड, कारपेट और कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो सिंथेटिक फाइबर आने की वजह से इसका डिमांड कम हो गया, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा महंगा होता है ना, इसलिए इसका डिमांड जो है कम हो गया, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, बांग्लादेश एक नंबर पे है जूट के प्रोडक्शन में, है ना। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, एक नंबर पे वेस्ट बंगाल है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, है ना, कुछ सुधार। लेट्स टॉक अबाउट सम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखो, हम सबको पता कि इंडिया जो है एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। अच्छा, इससे याद आया, याद है आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था 49% के आसपास, उसको आप एडिट कर लो, एग्जैक्ट है 47% करंट डाटा, ठीक है। अभी 47% पे है, तो यू कैन एडिट इट, एंड आई मे बी सॉरी फॉर दैट थिंग कि मैंने आपको थोड़ा सा पुराना अनअपडेटेड डाटा बता दिया था उस क्लास में, ठीक है। तो पहले क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार के इंडिया जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहा है। तो हमारे लिए जरूरी है कि इस इकोनॉमी को, इस एग्रीकल्चर को सही ढंग से हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, इसके डेवलपमेंट को हम लोग ग्रो कर सके, है ना। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन से पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हमें और भी बहुत सारे चीज करने होंगे। तो हमने क्या किया, पहले फोकस किया इरिगेशन के ऊपर, फिर हमने सॉइल के फर्टिलिटी के ऊपर ध्यान दिया, है ना, ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने की कोशिश की। अब इन सब तरह की चीजें जो है हमने करनी शुरू की, ठीक है। क्यों भाई ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन आप खुद देख लो भाई, कोई कंट्रोल है हमारे पॉपुलेशन पे? कोई कंट्रोल नहीं भाई साहब, है ना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ने वाली है,
तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें चेंजेस लाने होंगे, खुद के अंदर बदलाव लाना होगा। ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे यहाँ पूरे साल खेती होती है ना। चाइना, चाइना को आप देख रहे हो कि हर चीज में हमसे आगे है, हर चीज में हमसे आगे है, जबकि फैक्ट यह है कि वहाँ 7 से 8 महीने ही खेती होती है, बाकी 4-5 महीने खेती नहीं कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, क्यों ऐसा है? तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अपनाई है ना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स काफी सही रहे हैं चाइना जैसे कंट्री में, है ना। तो इस चीज की वजह से चाइना हमसे आगे है, तो इंडिया को भी ये चीज करने की जरूरत थी, है ना, ये चीज करने की हमें भी जरूरत थी। तो हमने भी कुछ कुछ चेंजेस लाए, जैसे कि क्या, जैसे क्या था, आपको याद है आजादी से पहले आप सबको पता होगा कि जमींदारी सिस्टम था हमारे यहाँ, जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी कहने का मतलब है कि एक गांव के का ज्यादातर हिस्सा एक बंदे के अंदर रहता था, वो सबको रेंट पे जमीन दे के रखे हुए, और लोग रेंट पे जमीन लेके खेती कर रहे हैं, है ना, ऐसा सिस्टम हुआ करता था जमींदारी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो गलत चीज है ना भाई, ऐसे कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग सबसे पहले जमींदारी को खत्म करेंगे, है ना, उसके साथ साथ हम लोग लैंड को कलेक्टिवाइज करेंगे। होता क्या था कि एक बंदा है, अब इस बंदे के खेत है तो कुछ यहाँ है, कुछ इधर है, कुछ बहुत दूर है, तो स्कैटर्ड है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये सारे फील्ड को एक साथ करो, है ना, दूसरे लोगों का फील्ड भी एक साथ करो, इससे क्या होगा, एरिया ऑफ लैंड विल इंक्रीज, है ना, जमीन का जो एरिया है वो बढ़ेगा, तो आपका आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा। कलेक्टिवाइजेशन, है ना, कंसोलिडेशन इसी में आता है ना। फिर कॉपरेशन, कॉपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना हुई, है ना, ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा आपने, है ना, ग्रामीण बैंक वगैरह इन सब का नाम सुना होगा। क्यों बनाया गया ये सब बनाया गया इसी के लिए, है ना, ताकि एग्रीकल्चर वगैरह में लोगों को हेल्प मिल सके। तो लैंड रिफॉर्म जो है हमारा बहुत, हमारा सबसे पहला फोकस था जब हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आए। पहला 5 ईयर प्लान कब आया बच्चा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान केम इन 1951, 1951 में आता है पहला 5 ईयर प्लान हमारा। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान केम व्हेन इट केम इन 1951, 1951 में आया हमारा पहला 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्यों नहीं चल रहा है भाई, यहाँ क्या हो रहा है इस पर? अच्छा, यहाँ मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के में 1951, है ना, हमारा प्लान ही यही था कि हम लोग एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, तो लैंड रिफॉर्म का मकसद रहा। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करेंगे, जमींदारी खत्म करेंगे, ये सब चीज पे काम करना हमारे लिए जरूरी था, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, याद है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, लल्ला हुआ फिर जमीन बटा, फिर उस लल्ले का लल्ला हुआ फिर जमीन बटा, तो ये चीज तो बहुत पहले से चल रहा था हमारे यहाँ, है ना। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा लैंड का पीस वैसे भी छोटा हो चुका था, तो हमें जरूरत था ऐसी पॉलिसीज की जिससे कि लैंड का साइज जो है बढ़ाया जा सके, है ना। कानून वगैरह बनाए गए इन सभी चीजों को लेके। गवर्नमेंट ने कई सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आया 1960s और 70s के बीच में। गवर्नमेंट कई सारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आया, और उस सारे रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म रहा वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। याद है 1960s के टाइम पे वी ब्रॉट ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इंडिया सेल्फ सस्टेन हो गया, है ना। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज दैट कि इंडिया सेल्फ सस्टेन हो गया अनाज के मामले में, है ना। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ व्हीट और पैडी का, सबसे इस पे हमारा फोकस रहा, है ना। उसके बाद आया व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क के लिए, दूध वगैरह के लिए ऑपरेशन फ्लड आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जो है इस मामले में भी खुद को स्ट्रॉन्ग किया, मतलब ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की, जिसके थ्रू हमारा पर्पस था कि हम लोग जो है इंडिया को एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ सस्टेन बनाए, इंडिया के एग्रीकल्चर को और ज़्यादा ग्रो कराए, है ना। लेकिन ये भी था कि ये जो भी रिवोल्यूशन हुआ कुछ ही रीजन में था, जैसे पंजाब हरियाणा में ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल था, बट यूपी बिहार इन सब रीजन में आते आते इसका चार्म कम हो चुका था, है ना। ये चीज आप लोग पढ़े हो ड्रॉबैक के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन का ड्रॉबैक यही है कि इट वाज लिमिटेड टू सम एरियाज ओनली, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉबैक क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो ये ड्रॉबैक है ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि ये कंसंट्रेटेड रहा कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज में, स्पेशली टू पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो
तो इसलिए कहता कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जब 1960s और 70s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन लेके आई है ना, तो गवर्नमेंट को दिखा कि ये तो लिमिटेड रह गया भाई, हमें जरूरत है पूरे इंडिया को कवर अप करने के लिए। तो गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स लेके आती है, ठीक है। इसमें हमने इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल दोनों रिफॉर्म्स लाए, है ना। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या हुआ, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या किया कि हमने यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करनी शुरू की, है ना, कृषि से रिलेटेड। आप देखना आपके आपके शहर में आज के टाइम पे क्या है, हर जगह जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिस है ना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए, है ना। टेक्निकल रिफॉर्म्स के लिए भी हमने कई सारी मशीन्स लाई, हम लोग रेडियो पे प्रचार प्रसार करने लगे कि मौसम कैसा रहेगा, इस समय पे आपको किस तरह का फसल उगाना चाहिए, अगर आप कोई फसल लगा रहे हो तो उसमें कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए, यूरिया कितना देना चाहिए, पोटेशियम कितना देना चाहिए, इस तरह के रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट देनी शुरू की, है ना। साइक्लोन के बारे में, फायर के बारे में, सूखा, फ्लड, हर चीज के बारे में गवर्नमेंट जो है अनाउंस करने लगी। वहीं ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, है ना, बैंक्स खोले गए, इसका मतलब ताकि किसानों को लोन मिल सके। इसके अलावा आपने नया चीज सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, है ना। अब इस किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर जो है ये क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कामकाज के लिए लोन ले सकते हैं। उसके साथ साथ किसानों को एक्सीडेंट मतलब इंश्योरेंस दिया गया, उनके फसल को इंश्योरेंस दिया गया। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, आपने सुना होगा, है ना, तो वो सारा काम किया गया। उसके अलावा आपने सुना होगा किसान सम्मान निधि, 6 6 हजार हर साल गवर्नमेंट देती है ना। अभी अभी प्रेजेंट का मैं बता रहा हूँ, हर साल जो है हर किसान को 6 हजार रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ना। ये सब क्या है, ये जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो है एग्रीकल्चर और ज्यादा बूस्ट हो सके, लोगों का ध्यान इस पे जाए। क्यों भाई, क्योंकि क्या हो रहा है, ट्रेंड हम लोग अगर देखेंगे, इफ यू विल सी द ट्रेंड, तो हम लोग देखेंगे कि काफी सारे लोग एग्रीकल्चर से दूर भाग रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा था। कोई भी किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने, हैव यू सीन दिस थिंग, नहीं है ना। क्यों भाई, उन्हें पता है कि इसमें प्रॉफिट कम होते जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने एमएसपी का फंडा लाया, याद है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप जानते सपोर्ट प्राइस, है ना, रिमुनरेटिव एंड फेयर प्राइसेस, ये सब क्या है, शुगर केन वगैरह के लिए ये लाया। एमएसपी के अंदर कितने फसल आते हैं, एनटीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, 22 फसल आते हैं, ठीक है, एमएसपी के अंदर 22 फसल आते हैं, इम्पोर्टेंट है एनटीएससी के लिए, है ना। तो अलग अलग जो है प्राइसेस जो है गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस करना शुरू कर दिया, ताकि जो है किसानों को नुकसान ना हो। फॉर्मूला यूज होता है एमएसपी के लिए भाई साहब, कैलकुलेट किया जाता है हर साल एमएसपी के लिए, फॉर्मूला लगाया जाता है और उस फॉर्मूला के तहत प्राइस डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट करना शुरू किया, क्यों, ताकि किसानों को बेहतर से बेहतर प्रॉफिट मिल सके ज्यादा से ज्यादा, और उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, ठीक है। चलिए, हाँ जी मुन्ना महाराज, 22 क्रॉप्स, ठीक है, चल चलिए। इसमें ही एक और चीज हुआ था, भूदान या फिर ग्रामदान। चलिए, महात्मा गांधी के चेले थे विनोबा भावे, है ना, महात्मा गांधी के चेला थे विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने अनाउंस किया था कि यही मेरा उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद विनोबा भावे जो है पद यात्रा करते हैं, है ना, वो गांव गांव घूमते हैं। विनोबा भावे महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज्य का जो आइडिया था, उसको बहुत सपोर्ट करते थे। अब इसी चीज के लिए वो पद यात्रा करते हैं, गांव गांव घूमते हैं। अब जब वो गांव घूम रहे थे, तो जब वो आंध्र प्रदेश पहुंचे पोचमपाली में, तो वहां कुछ किसानों ने कहा कि हमें कुछ जमीन दिलवा दीजिए। लैंडलेस लोग थे वो लोग, है ना, लैंडलेस थे वो लोग, बहुत गरीब थे। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ मतलब जमीन दिला दीजिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम लोग खेती कर सके। तो विनोबा भावे गवर्नमेंट के आदमी तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जरूर जल्दी ही कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके बारे में बात करेंगे और जल्दी ही कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी समय एक बंदा था, श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़ा हुआ और उसने 80 एकड़ जमीन जो है 80 किसानों के बीच में बांट दिया। देखो कितना दिलदार आदमी था, है ना, इतिहास में इसने अपना नाम अमर कर लिया, रामचंद्र रेड्डी ने, है ना। ये बंदा जो है कहता है, फिकर नॉट व्हेन आई एम हियर, है ना, उसने अपनी 80 एकड़, 80 एकड़ ऑफ लैंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 80 लैंडलेस फार्मर्स, गांव का जो 80 किसान थे उनको दे दिया। अब ये जो किया, तो इसको नाम दिया गया भूदान। क्या नाम दिया गया, भूदान का, है ना। और बाद में विनोबा भावे ने इसी आइडियोलॉजी को पूरे इंडिया में प्रमोट किया, और कई सारे जमींदार और बड़े फार्मर जो थे, वो
उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया, जमीन का दान किया छोटे छोटे किसानों के साथ, है ना, कॉपरेशन, कॉपरेटिव फेडरल, ये कॉपरेशन का मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ कुछ जमींदारों ने तो, कुछ जो बड़े जमींदार थे उन्होंने गांव भी दान कर दिया जिनके अंडर पूरा गांव था। मैंने कहा ना कि पहले सिस्टम यही था कि एक गांव है, इसका पूरा जमीन एक बंदे के अंदर है ना, इस बंदे के अंदर है पूरा का पूरा जमीन यहाँ गांव का। तो इन लोगों ने पूरा गांव ही दान कर दिया, बोला ये लो, ये तू तू ले ले, ये तू ले ले, ये तेरा हो गया, ये तेरा हो गया, ये सुमित सर का हो गया, ये रितिशा का हो गया, ये अकरम का हो गया, है ना, ये काव्या का हो गया, है ना, ये प्रियांश का हो गया, ऐसे ही सबका होते गया, बांट दिया गरीबों के पीछे, बांट दिया। ठीक, तो इस ये जो एक्ट हुआ उसे नाम दिया गया ग्रामदान, है ना, इसे क्या नाम दिया गया, ग्रामदान। तो ये जो है पूरे कंट्री में एक रिवॉल्यूशन की तरह फैल गया था उस समय, मतलब काफी तेजी से फैला इस आइडियोलॉजी को, इस भूदान और ग्रामदान का ये जो आइडियोलॉजी है, बच्चा लोग, ठीक है, भूदान और ग्रामदान का ये जो आइडियोलॉजी था इसे पूरे कंट्री में ये मतलब एक्सपैंड किया गया, इसका प्रमोशन किया गया और काफी काफी सारे लोगों ने मतलब इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो इट इट फ्लेट लाइक अ रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन की तरह आगे बढ़ा। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस आई, इसलिए इस रिवोल्यूशन को ब्लडलेस रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई खून नहीं बहा, इसमें तो वेलफेयर का काम हुआ इस रिवोल्यूशन में, है ना। तो दिस रिवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन, कई सारे लोगों ने जमीन और गांव जो है दान कर किया था इसमें। ठीक है, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं तक सवाल आएगा, इसके आगे का बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। अब आगे जो आएगा वो एनटीएससी के लिए, थोड़ा सा और है, 5-6 स्लाइड और है, बोर्ड का सिलेबस एंड से है ना, इस चैप्टर को यहीं तक बोला गया पढ़ाने के लिए बोर्ड में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनटीएससी, हमारा फोकस वो भी है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इकोनॉमी में बात करते हैं, हमारे अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए पुराना डाटा है ना, 52 नहीं, अभी क्या है बच्चा लोग, 47% है, याद है ना। अरे यार क्यों 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 ऐसा होता है, 47% है लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चा लोग, याद है लास्ट क्लास, 17% लोग, 17% जो है कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, है ना, मतलब बहुत कम है ना भाई लोग, इतने सारे लोग और बस इतना सा कंट्रीब्यूशन, समझ रहे हो कितना सीरियस मैटर है कि इतने आधी आबादी पूरी की पूरी हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बस 17%, मतलब ये प्रॉब्लम है भाई साहब, है ना, ये सीरियस इशू है, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। तो यहाँ यही सारी बात की गई है। तो हमने क्या किया फिर, हमें कुछ करने की जरूरत है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ICAR, इसका नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इनका काम क्या था, रिसर्च करना। अब जैसे कि ये अलग अलग वैरायटी ऑफ सीड्स रिसर्च कर रहे थे क्रॉस ब्रीडिंग करा के, ठीक है, पूसा 15, पूसा 13, पूसा, मतलब ऐसे करके कई सारे जो है क्रॉप्स हैं जो कि इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करा के, ऐसी कई सारे बीज जो है जो दिए इन्होंने, जो कि HYV सीड्स से हायर यील्डिंग के लिए, है ना, हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे। उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला गया, मैंने कहा ना इन द बिगिनिंग, वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड कराया गया, है ना, एनिमल ब्रीडिंग सर्विस सेंटर खोला गया जहाँ पे जानवरों को ब्रीडिंग कराई जा सके, है ना, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कराया गया, रिसर्च डेवलपमेंट कराया गया। तो कई सारी चीज़ें जो है, कई सारा काम जो है हम लोग करना शुरू किए इसके बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि अगर GDP बढ़ाना है तो हमें इस चीज़ पे काम करना होगा, है ना। क्यों भाई, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से घट रहा था, इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रोथ वो काफी तेजी से घट रहा है और जरूरत है कि हम इसको तेजी से आगे लेके जाएं। तो ICAR के अलावा भी गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया, हमें जरूरत था मॉडर्न फार्मिंग मेथड पे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, जीन के ऊपर जीन बेस्ड फार्मिंग करते हैं, जीन फार्मिंग, है ना, जीन फार्मिंग के लिए टर्म यूज होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, GM, जहां भी आपको किसी सीड के साथ दिख जाता है GM, तो GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड,
है ना, हमने क्या किया, कई सारे क्रॉप्स जो है उसके जीन में थोड़ी बहुत चेंजेस लाके उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की, है ना। आज के टाइम पे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, है ना। तो हम लोग जो है इस तरह की चीजों पे काम कर रहे हैं। अब जैसे आप देखोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ ब्रिंजल जो है, वैसे अभी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है ब्रिंजल, है ना, बीटी ब्रिंजल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है इस पे, मतलब बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी इलीगली महाराष्ट्र वगैरह में इसमें खेती हो रही है। इसके अलावा कॉटन में भी है ना, कॉटन में भी हम लोग जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज कर रहे हैं, तो कॉटन में अलाउड है। तो इस तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वगैरह हम लोग मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दे रहे हैं, आपने पढ़ा सुना होगा कि यूरिया पे काफी ज्यादा सब्सिडी मिलता है ना। इफ यू सी, यूरिया के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है ना, इतना सब्सिडी दे देती है कि इसका ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया था भाई साहब, ठीक है। इतना सब्सिडी दे देती है कि लोग खरीद खरीद के मार्केट में बेच रहे थे, क्योंकि मार्केट में यूरिया महंगा मिलता है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज में इन सब चीजों में इसका यूज होने लगा यूरिया का। तो बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि रुको, हम इसमें नीम कोटिंग कर देंगे। तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, नीम कोटिंग कर दिया यूरिया का। इससे क्या हुआ, फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नीम कोटिंग है, नीम का उस पे है, तो जब आप इसका यूज करोगे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, तो वो आपके प्रोडक्ट को खराब कर देगा, है ना। तो यूरिया, पोटेशियम, फॉस्फेट वगैरह जो भी जो जो फर्टिलाइजर्स हैं, उन सब पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है ना, कि 6,000 वाला जो प्लान है ना, किसान सम्मान निधि के तहत गवर्नमेंट जो है किसानों को वो भी पैसा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा, 3 जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हुए हैं लास्ट ईयर, जिसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है फाइनेंशियली जो है किसानों को हम लोग सपोर्ट कर सके, उनके इनकम को ग्रो करा सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया गवर्नमेंट ने, है ना। ये सब चीज क्या है, ये सब का पर्पस यही है कि हम लोग जो है फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को और ज्यादा प्रमोट कर सके। चले, इसके अलावा हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड मार्केट का इंटीग्रेट होना, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अब जैसे चाइना का एग्जाम्पल ले लो, हमने बार बार ये चीज पढ़ा कि चाइना में हर चीज क्या है, हमसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो कई सारे कंट्रीज से जो है चीजें जो है इंडिया में आने लगी। तो जब इंडिया में पहुंचना शुरू हुआ, तो वो क्या होता था, चीप होता था, देवर चीप, है ना, वो सस्ते होते थे। तो इस वजह से इंडियन जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम होने लगा। यही वजह है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाने पे फोकस्ड हो गई, है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे फोकस करना गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। आपने देखा होगा कि इवन इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यू वुड हैव सीन दिस थिंग, है ना। किसानों को कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही है गवर्नमेंट। 6,000 वाला प्लान चल रहा है ना, सब्सिडी दिया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कृषि मेला लगता है, आपने देखा कृषि मेला के बारे में, इधर क्या जिधर टेक्स्ट है उधर नहीं लिख पा रहा आदमी, है ना। कृषि मेला जैसा लगता है, कृषि मेला में क्या होता है, सब्सिडी पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट दिए जाते हैं, है ना। जो भी इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सब सब्सिडी पे मिलता है, उससे प्राइसेस जो है कम की जाती हैं, और फिर वो फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। ओके तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट ले रही है, ताकि हम लोग जो है ग्लोबल मार्केट से लड़ पाए, है ना। ग्लोबल मार्केट में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उससे हम लोग लड़ पाए, इस चीज के लिए कह रहा है कि हमने बहुत कुछ गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं, कुछ जो है एग्रीकल्चर को लेके कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत हुआ। क्या हुआ बच्चा लोग, लैंड डिग्रेडेशन बहुत हुआ। क्यों? तो हमने एक्सेस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, जो कि सत्य है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। देखो, एनपीके ये फर्टिलाइजर है, ठीक है। आ
ये नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, और ये पोटेशियम है। तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 4:2:1। हमारे यहाँ पता है कितना कितना तक चला जाता है? 57:8:1। समझ रहे हो? बाप रे बाप, कितना, मतलब ये परमिसेबल है और इतना तक फार्मर चले जाते हैं। क्यों? सब्सिडी मिल रहा है तो पूरा यूज करेंगे, है ना? ये यूरिया की बात हो रही है, ये यूरिया ही है ना? परमिसेबल है, सस्ता है, तो हम खूब यूज करेंगे। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, अब जाहिर सी बात है, अब जब आप देखोगे कि इतना ज्यादा अमाउंट में आप यूज करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन तो होना ही है, ठीक है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमें ये नुकसान हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है आज जीन रिवॉल्यूशन कर रहा है, जो मैंने आपको बताया है ना, जीएम, जीएम क्रॉप्स का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। हो सकता है अभी तक आपने नहीं सुना होगा जीएम के बारे में, बट दे आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर, ठीक है? तो आपको मिलने वाले हैं ये सारी चीजें। तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसी वजह से जीन रिवॉल्यूशन के ऊपर काम कर रही है ना? ओके, इंडिया में हमारे अगर बात करें तो रूरल पॉपुलेशन में लगभग 833 मिलियन लोग जो है, ठीक है, इंडिया रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन, विच डिपेंड अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है? देख रहे हो, 833 मिलियन लोग, वो 250 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे डिपेंडेंट है, मतलब आधे से भी कम, आधे हेक्टेयर से भी कम मिल रहा है ना? तो अब जब इतना कम लैंड है आपके हिस्से में, तो आपको जरूरत है कि आप अपने फसल को डाइवर्सिफाई करो ताकि आपका इनकम बढ़ सके, है ना? आपको अपने इनकम को बढ़ाने के, आपको अपने फसल को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने की जरूरत है ना? इससे क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है, साथ साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा, ठीक है? तो बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरीगेशन देन राइस और शुगर केन। क्यों भाई? तो कुछ ऐसा भी फसल है जिनको बहुत ज़्यादा कम पानी की जरूरत है ना? जैसे कि, जैसे फ्रूट्स हैं उसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल है ना, जेट्रोफा और जोजोबा, ये जेट्रोफा है और जोजोबा है, ये क्या होता है, बायोडीजल, डीजल बनाने में इनका यूज किया जाता है ना, बायोलॉजिकली। तो इससे हमें बहुत फायदा है कि आपका इनकम भी ग्रो होगा, उसके साथ साथ आप इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। तो वही चीज कह रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स को अगर अपने इनकम को बढ़ाना है, अगर अपने इनकम को बढ़ाना है तो कल्टिवेशन जो है, फार्मिंग जो है, उसको क्या करना होगा, डाइवर्स फार्मिंग यूज करना होगा, है ना? हमें जो है डाइवर्स फार्मिंग को अडॉप्ट करना होगा, डाइवर्सिटी लानी होगी अपनी फार्मिंग में। सिर्फ और सिर्फ धान और गेहूं और पल्सेस की खेती करके आपका इनकम ग्रो नहीं हो सकता, ठीक है? आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ डाइवर्सिटी को भी अडॉप्ट करना होगा, देन वनली आपका जो है इनकम ग्रो करेगा, ठीक है? तो चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आई डोंट नो, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी कोई डाउट है तो मैं रुकता हूँ, 2 मिनट पूछ लो। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो, किसी को भी कोई अगर डाउट है तो यू कैन पिंग मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको ऊपर पिन किया हुआ दिख रहा है, सो यू कैन आस्क मी देयर डायरेक्टली, ठीक है? ग्रुप में आप पूछ सकते हो। अब हम लोग कोशिश करेंगे एक और कोई चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अपलोड करना शुरू करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना जरूरी है ना? लास्ट का ये जो टॉपिक था, बच्चा लोग देखो, एनटीएससी के लिए जो मैं, ये हम लोग जो पढ़े भूदान के बाद का जो चीज पढ़े है ना, तो भूदान के बाद का जो भी चीज पढ़े उसको एक बार और आप लोग ये देख लेना, ये सारी चीजें है ना, एक बार इसको पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीन फार्मिंग है ना, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, जीएम पे एक बार ध्यान दे दीजिएगा, जीएम क्रॉप्स और जीन फार्मिंग पे एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है? बाकी बीच में कहानी है इसलिए मैं रुका नहीं, जैसे ये सारे स्लाइड, ये स्टोरीज हैं कि फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रहा था, तो कितनी बार प्रॉब्लम बार बार डिस्कस करूं, है ना? हम लोग पहले ही प्रॉब्लम्स की बात कर चुके हैं, हम लोग सॉल्यूशन की भी बात कर चुके हैं, ठीक है? सो नाउ एंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है? और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब तो करना ही है, चलो। पीडीएफ में भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में।